अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास। आज हम इंशाल्लाह आज से हम ऑनवर्ड बल्कि इंशाल्लाह पीएस के जो जितने भी लेक्चर्स हमारे हैं वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे लिया करेंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदानी इलाके। तो आप अपनी बुक को ऑन करें, तो आपकी बुक का पेज नंबर जो 66 है उसका ये टॉपिक है। आज हम मैदानी इलाके डिस्कस करेंगे और इस मैदानी इलाके से आगे वाला जो टॉपिक है रेगिस्तानी सहेली इलाके हमारे जो इस टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैदानी इलाके में हम देखते हैं, सबसे पहले मैदान की हम डेफिनेशन समझते हैं कि मैदान किसको कहते हैं। अगर हम इस तरह से जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी के अंदर जब भी हम मैदान को कंसर्न करते हैं तो लफ्ज़ मैदान जहाँ पे आएगा तो उसका मतलब होगा कि दो दरियाओं के दरमियान वाली जगह। ठीक है, हम अक्सर ये चीज़ समझने में गलती कर देते हैं कि मैदान किसको कहते हैं एक्चुअली। तो मैदान दो दरियाओं के दरमियान वाली जगह, अब दो दरियाओं के दरमियान जगह वो थोड़ी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है जो कि एक हमवार सतह होती है। ज़्यादातर जो होती है वो एक हमवार सतह होती है, यानी कि प्लेन ज़मीन होती है वो, तो उसको मैदानी इलाके कहते हैं। तो हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं, तो जहाँ पे स्टार्ट है कि दरे सिंध का मैदान जो है वो दरे सिंध का मैदान दरे सिंध के और इसके मुआवन दरियाओं, यानी मुआवन मतलब उसके साथ जो दरियाएँ हैं, ठीक है, दरियाओं जेहलम चनाब रावी सतलज की लाई हुई मिट्टी से बना है। यानी कि जो दरिया सिंध का जो मैदान है वो इसके जो मुआवन दरिया हैं, ठीक है, इनके इनकी जो लाई हुई मिट्टी है, यानी कि जो पानी के साथ बहकर मिट्टी आ जाती है उसके साथ वो बना है। उसके बाद है पाकिस्तान में सूबों का सॉरी पाकिस्तान में सूबा पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसके अलावा दरिया सिंध का बिलाई मैदान कहलाता है। ठीक है, यानी कि दरिया सिंध का बिलाई मैदान से अब क्या मुराद है कि अगर हम दरिया सिंध के दरमियान या कहीं पर भी खड़े हों और वहाँ से देखें कि सूरज किस तरफ है, यानी ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है मशरकी सतह, तो उसका जो मशरकी इलाका है वो क्या होगा, उसका सिंपली क्या होगा, उसका बलाई इलाका होगा। यहाँ पे मैं आपको मैप को ओपन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो ये वाला जो रिवर एंड पर है ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध है। तो यहाँ से जब आप उसका बलाई हिस्सा देखते हैं, यानी ये वाला जो इसका इसका जितना भी हिस्सा है ये दरिया ये हमारा सूबा पंजाब कहलाता है। यानी कि इसके जो मुआवन दरिया पाँच दरिया हैं जिसके अंदर ये अगर हम सबसे एंड पे देखें तो हमारे पास सतलुज है, सतलुज से ऊपर देखें तो हमारे पास जो लाहौर के साथ जो रावी गुजर रहा है ये देखें, रावी के अगर हम ऊपर देखते हैं तो चनाब है, चनाब के ऊपर हमारे पास झेलम है। तो ये पाँच दरिया हैं, ये पाँच दरिया मिलकर जो है ये दरिया सिंध इनके इसका बलाई इलाका मतलब कि इसके जो इसकी जो ईस्ट वाली साइड पर जितना भी एरिया है ये सारा पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इसका नाम पांच जो है वो दरियाओं जेहलम चनाब सतलुज सिंध और रावी की जो सराब करने की वजह से जो है पांच दरियाओं की सराब करने की वजह से इसका जो नाम है ये रखा गया है। ठीक है, दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, यहाँ पे एम सी पूछा कि कौन सा दरिया, तो आप कहेंगे दरिया सिंध है। उसके बाद है ये मैदान करीबन हमवार है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है और दरिया की लाई हुई मिट्टी से बना है, जैसे कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से लिहाजा ये मिट्टी बहुत ज़्यादा जरखेज़ है, यानी कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा जरखेज़ है। ठीक है, क्योंकि ये दरियाई मिट्टी है तो दरियाई मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा जरखेज़ होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स पूरी मकदार में मौजूद होते हैं उसके अंदर, सो दैट्स व्हाई वो ज़्यादा जरखेज़ होती है। उसके बाद है पाकिस्तान सॉरी बारिश की कमी को मसनूई आपाशी ट्यूबवेल और नहरी जो पानी है उससे पूरा किया जाता है, यानी कि हमारी जो पानी इन दरियाओं की जो मिट्टी है, दरियाओं से लाई हुई जो मिट्टी जो इन दरियाओं के दरमियान यानी मैदानों में वाक़ है वो इतनी जरखेज़ है कि अगर वहाँ पर बारिश ना भी पहुँचे तो हम अगर ट्यूबवेल का पानी या नहरों का पानी भी लगाएं तो भी बहुत अच्छी फसलें होती हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो फसलें हैं और एक ज़रिए मुल्क है हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा जो ज़्यादातर तबका है वो ज़रात से जो है उनकी अर्निंग है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके बाद है फौरी और ज़रूरत के मुताबिक आपाशी से बेहतर पैदावार हम हासिल करते हैं ट्यूबवेल्स और नहरों को यूज़ करके। अब है हमारे पास नीचे एक आप पिंक बॉक्स देख रहे होंगे जहाँ पे है कि क्या आप जानते हैं, तो वहाँ पे एक एमसीक्यू भी बन रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि दुनिया का तकरीबन जो है वो 80% जो आबादी है दुनिया की वो मैदानी इलाकों में पाई जाती है, सबसे कम आबादी दुनिया की पाई जाती है सहराई इलाकों में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे कम आबादी पाई जाती है ठंडे इलाकों में नदरन एरियाज में पहाड़ी इलाका जात में। ठीक है, और उसके बाद जो आबादी सबसे ज़्यादा जो जैसे कि हम देखते हैं वो पाई जाती है मैदानी इलाकों में। उसके बाद हमने अभी अभी हमने डिस्कस किया था दरिया सिंध का बलाई मैदान, यानी कि ईस्ट वाला मशरकी दरिया सिंध के जो मशरक में आ रहा था, अब हम डिस्कस करेंगे दरिया सिंध के जो मगरिब में आ रहा है यानी कि उससे नीचे। अब दरिया सिंध का जो ज़ेली मैदान है हमवार है और कम ढलवान रखता है। ठीक है,
मतलब में हमवार है लेकिन ज़रा उसकी जो ढलवान है वो कम है, ठीक है। उसके बाद है कि इस मैदान को दरे सिंध ही सराब करता है। अब उस जो उसके जो नीचे वाला जितना भी उसके ज़ेरी मतलब ज़ेरी दरे सिंध जितना भी इलाका है उस सबको कौन सराब करेगा, उस सबको दरे सिंध अकेला सराब करता है। बहुत बड़ा दरिया है हमारे मुल्क का, ठीक है। उसके बाद है कि दरे सिंध का जो ज़ेरी मैदान है ज़रिए लिहाज से बहुत अहम है, ये वाकई बहुत अहम है। ये किस वजह से अहम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खत्ता है हमारे पास, ठीक है। पंजाब एक एक छोटा मतलब काम कहता है, लेकिन अगर हम पंजाब के अगर हम मतलब इसका कंपैरिजन करें अगर हम सिंध और बलूचिस्तान के साथ, तो एक बहुत बड़ा रकबा बनता है, ठीक है। इस मैदान के जनूब मशरक की जानब थर का रेगिस्तान है, जनूब मशरक की जानब थर का रेगिस्तान है, ठीक है। अब मैं आपको मैप दिखाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का जो मैप है मतलब पाकिस्तान के मैप में जो थर है वो कहाँ पर पाया जा रहा है। अब जो डेजर्ट थार है वो, अब अगर ये वाला अगर जो आप नक्शा देख रहे हैं, मैं अपना कैमरा इस तरफ करता हूँ, अगर आप ये वाला पाकिस्तान का नक्शा देख रहे हैं तो इसके अंदर ये जो ऑरेंज वाला इलाका है ये कौन सा इलाका है, ये थार का इलाका है, ठीक है। ये वाला अब ये दरिया सिंध के कहाँ पे है, जनूब मशरक में, ठीक है, यानी कि ऊपर की जानी मशरक की जानी पाया जा रहा है। तो ये थार है, ये जितना भी ऑरेंज कलर का है, ये जितने भी ये कलरफुल देख रहे हैं एरिया, ये पाकिस्तान के रेगिस्तान है, लेकिन इसके अंदर जो थार है वो कौन सा है, ये जो थ्री वाला जिसके ऊपर आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये थार है। बैक टू बुक चलते हैं हम, ठीक है। और थर का इलाका है दरिया सिंध का डेल्टा इलाका, ठट्ठा के करीब आ गया है, ठीक है। उसके बाद है ये दरिया बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहरा अरब में गिरता है, ठीक है। ये दरिया जो है वो बहुत सी शाखों में इकट्ठा होकर बहरा अरब में गिरता है। अब बहरा अरब क्या है, मैं आपको पाकिस्तान के मैप में दिखाता हूँ। पाकिस्तान का अगर मैप हम देखते हैं तो इसके अंदर ये पाकिस्तान का मैप आप देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो जितना भी दरिया सिंध आ रहा था ये सारा यहाँ से इकट्ठा होकर कहाँ गिर रहा है, बहरा अरब। अब ये जो हमारे पास जितना भी ब्लू एरिया ये बहरा अरब है, अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ से दरिया सिंध मुख्तलिफ दरियाओं में तकसीम होकर छोटी छोटी शाखों में दरिया सिंध के अंदर जो है वो ये गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद है कि मैदानी इलाकों में साहली मैदान और रेगिस्तान भी शामिल हैं। मैदानी इलाकों में अब दो इलाके आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने मैदानी इलाकों में दो इलाके पढ़े हैं, एक दरिया सिंध का जो है वो बलाई मैदान, अब दरिया सिंध का जो है वो जेरी मैदान। अब हमने पढ़ना है कि इसकी जो दो मेन ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी है, साहली मैदान और रेगिस्तान, ठीक है। अब साहली मैदान में देखते हैं कि पाकिस्तान के साहल जो है तकरीबन 1050 किलोमीटर लंबा है। तो साहली इलाका जो पाकिस्तान का है वो 1050 किलोमीटर लंबा है। मैं आपको उसको दोबारा पाकिस्तान का मैप खोलता हूँ और आपको साहली बताता हूँ कि साहिल क्या होता है। अब देखें कि यहाँ पे जो अरेबियन सी जो आप देख रहे हैं, अरेबियन सी का जो जो हिस्सा पाकिस्तान के साथ टच हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का जितना भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जनूब के अंदर जितना भी जो एरिया वो इसके साथ टच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सारा पाकिस्तान का साहली इलाका है। ये कितना है, 1250 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1050 किलोमीटर लंबा है। ये साहली पट्टी मशरक में सूबा सिंध और भारत की तरह से शुरू होती है और चलती चलती साथ साथ मगरब में ईरान की तरफ फैल जाती है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें अब इसका मशरक यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसका जो मशरक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडिया से। ये सारा इंडिया है। अब ये जो वाइट कलर का है ये हमारा पाकिस्तान है, ये इसके इस तरफ जो है ये आप देख रहे हैं कि ये इंडिया है। ये यहाँ मशरक में इंडिया से स्टार्ट हो रहा है और जाता जाता कहाँ तक जा रहा है, ये देखें ईरान, ठीक है, आपको ईरान नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक ये ईरान तक फैला हुआ है। हमारा जो जितना भी साहली इलाका है 1050 किलोमीटर लंबा है, यहाँ इंडिया से स्टार्ट होकर ईरान तक, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि साहली मैदानी इलाका जो है हमारे पास जो है छोटी बड़ी बंदरगाहों पर मुश्तमिल। बंदरगाहें क्या होती हैं, यहाँ पे आके जहाज़ खड़े होते हैं, बहरी जहाज़, और जो जहाँ से मतलब हम हमारे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। इन इलाकों में जो माहीगिरी की सनत तरक्की कर रही है, मतलब माहीगिरी की सनत मछलियाँ पकड़ते हैं और मछलियों को सेल करते हैं, ठीक है, वो सनत जो है वो तरक्की कर रही है। जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं जो सॉरी पॉइंट स्किप हो गया, पोर्ट कासम, गवादर और पिसनी, ये हमारे मुल्क की सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाहें हैं, ठीक है। जो गवादर है ये हमारे खित्ते की जिसके अंदर चाइना, हमारे पास इंडिया, उसके अलावा ईरान, उधर दुबई, सबसे बड़ी जो बंदरगाह हमारे पास जो है वो गवादर है, जिसकी वजह से जहाँ पे हम देख आप सब जानते हैं कि सी पैक का मंसूबा बन रहा है कि यहाँ से मैं आपको अगर दिखा सकूँ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ पे अब सी पैक बन रहा है। अब ये सी पैक क्या करेगा, पाकिस्तान से गुड्स लेकर कहाँ ऊपर चाइना तक जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकें चाइना अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से गुड्स जाएंगी कहाँ से थी, चाइना। ये सी पैक का एक रोड होगा, ठीक है, ये एक मंसूबा है जो कि ग्वादर से यहाँ पे चाइना का माल आया करेगा, जिसको पाकिस्तान का भी फायदा होगा, और ये वो यहाँ से कहाँ जाएगा, सीधा चाइना, ठीक है, ये चाइना के साथ जाया करेगा और चाइना में इसका टैक्स फराहम किया करेगा, और बहुत सारा पाकिस्तान को इसका दूसरा फ़ायदा भी है, ठीक है, उसको हम कभी और किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारे पास है डेजर्ट रेगिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के जुनूब मशरक में जो है वो रेगिस्तानी खसूसियत रखता है वो इलाका, एक वसी और रीज रकबे पर फैला हुआ है, बहुत बड़ा रकबा है, जिसमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं, बहावलपुर, सखर, खैरपुर, सांगड़, मीरपुर खास, थरपार करके अजला शामिल हैं। बहावलपुर में इस सहरा को चोलिस्तान या रोही जबकि सिंध में थर कहते हैं, ठीक है। अब बहावलपुर अगर आप मैं आपको मैप में दिखा सकूँ डेजर्ट के अंदर, तो ये बहावलपुर ये जितना इलाका पंजाब में आ रहा है तो वो थल है, जैसे वो पंजाब से निकल के नीचे सिंध में आ जाता है ये सिंध है, ठीक है। ये इतना एरिया सिंध का है, जैसे वो रेगिस्तान यहाँ से निकल के सिंध में आ रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, वही डेजर्ट यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, थर का रेगिस्तान बन रहा है, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो है इलाका गैर आबाद है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ बारिशें कम होती हैं, सहराई नबातात बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान जो है वो थल का है, ठीक है। एक थर हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास क्या गया थल है। ये रेगिस्तान दरह जेहलम और दरह सिंध के दरमियान वाक़ है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया था ये मैदान है, ये हम मैदान की एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं जो रेगिस्तान होती है। ये किन दो दरियाओं के दरमियान है, ये जेहलम और दरह सिंध के दरमियान है। ये इलाका ज़्यादातर गैर आबाद है, ठीक है। इस पाकिस्तान का तीसरा रेगिस्तान जो है वो बलोचिस्तान में शामिल है। ये मैं आपको बलोचिस्तान में तीसरा रेगिस्तान दिखाता हूँ, जिसको सेराए खारान भी कहते हैं। इसमें चागी का कुछ इलाका भी है, चागी के इलाके पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये वाला जो इलाका है ये खरान है, ठीक है। ये बलोचिस्तान में आ रहा है, ये खरान है, ये यहाँ पे चागी की पहाड़ी है। चागी की पहाड़ी अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि चागी की पहाड़ी पे क्या किया था कि हमने हमारे मुल्क ने जो है एटमी धमाके किए थे और हमारा मुल्क जो है एटमी अटैक बना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।